जब मृत्यु होता है, शरीर जब छूट जाता है, तो उसमें उसके बीज स्वरूप सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, अविद्या शरीर, ये शरीर है, वो गुणमय शरीर, वो उससे मुक्त ना होने से फिर जाके उसको जन्म लेना पड़ता है। वो गुणमय शरीर वायवीय शरीर है, स्थूल नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। वो गुण लेकर के वो निष्क्रांत होता है शरीर से, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसमें और सब तत्व रहता है। शरीरं जदपाप्नति जच्च पुत्रमति शरो गृहीतोइतनि संजाति वायुर्गंधानि विषयात्। वायु जैसे गंध को लेकर उत्क्रांत होता है, ऐसा ही जीव समस्त संस्कार लेकर के निष्क्रांत होता है शरीर से, फिर गुणमय शरीर, वो गुण से अबद्ध रहता है। उसमें हस्तपद वाक पायु उपस्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब रहता है उसमें, सिर्फ पांच तत्व रहता नहीं है, अग्नि जलाकर वायु पृथ्वी, वो सूक्ष्म शरीर लेकर के चलता है कर्म संस्कार अनुसार, फिर जाके वो कोई शरीर में जाकर के प्रवेश करता है, प्रवेश करके ऐसा ही शरीर लेके आता है। जैसे शरीर में इसका प्रक्रिया ऐसे है, हमारे शास्त्र में ऐसे वर्णन करते हैं, वो गुणमय शरीर सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर जब तक नष्ट नहीं होता है फिर आता है कारण शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर जब तक रहता है तब तक जाकर के वो संसार चक्र में घूमता रहता है कर्म संस्कार अनुसार। जैसे अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा जन्म मिलता है, खराब कर्म करते हैं तो खराब जोनी मिलता है, यहाँ से जाता है पितृलोक, पितृलोक से फिर नरक जाता है, कोई कुकर्म करता है कोई स्वर्ग लोग जाता है, वहां से उसका निश्चय होता है कहाँ उसको जाना है, फिर वहां से फिर आता है, क्या होता है वायुमंडल में उसको छोड़ दिया जाता है, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र वर्णन करते हैं। वायुमंडल इतना वायवीय है ना, सूक्ष्म रूप में रह जाता है, अति सूक्ष्म, केशाग्र का 10,000 भाग का एक भाग उसका स्वरूप, इतना सूक्ष्म। तो वायुमंडल में रह जाता है, वहां बरसात के संस्पर्श में आकर के संपर्क में आकर के बरसात के साथ उतर जाता है। उतर के मान लो कोई वृक्ष के ऊपर गिरता है, नीचे गिरता है, कहीं गिरता है, वृक्ष ऊपर गिरता है तो वृक्ष उसको शोषण करके ले जाता है, जे धीरे 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 फल में जाता है, फल में चला जाता है, फल होता है, फल में वो रह जाता है जीवाश्म रूप में, जीवाश्म कहते हैं वो। फिर वो मान लो कोई मनुष्य खा लिया तो मनुष्य शरीर में गया, वो जीवाश्म रूप में उसमें है। फिर उसमें ये प्रक्रिया जो है रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना शरीर उसमें सूक्ष्म रूप में रह जाता है। पहले खाते एक अंश तो विष्ठा मूत्र होकर निकल जाता है, एक अंश शरीर में जाता है, उसमें 5 दिन बाद उसमें रूपांतर होता है, पहले रस होता है उसमें रह जाता है, फिर रक्त खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर अस्थि उसमें रह जाता है सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म उसमें रह जाता है, फिर जाके 35 दिन के बाद मूल धातु शुक्र में, शुक्र शुक्राणु रूप में आ जाता है, शुक्राणु रूप में आकर वहां मिलनधर्मी प्रक्रिया के द्वारा मातृ जठर में प्रवेश करता है, वो बीज स्वरूप है। फिर माँ जो खाते हैं उसको शरीर का जो अंश है खाते हैं रस, उससे उसका शरीर बनता है, और उस शरीर में उस जीव चैतन्य सतत तादात्म्य होता है, जिस शरीर में जाता है ऐसे मातृ शरीर में जाकर के ऐसा ही शरीर बन के आता है, और उसमें तादात्म्य होता है उच्चतन सत्ता, गाधा तो गाधा, कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, मनुष्य तो मनुष्य, धीरे धीरे बन के शरीर माँ का देन है और बीज पिता का देन है, ये प्रक्रिया चल रही है, फिर संसार में आ जाता है कर्म अनुसार, फिर दोनों तादात्म्य होकर के जड़ चेतन, जड़ है मातृ शरीर के जो प्रदान करते हैं वो है जड़, और चेतन है आत्मा उसमें रहते हैं, उसको तादात्म्य होकर के जड़ चेतन का जो मिलन है ये शरीर, इसको कहते हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा है आत्मा। अब जीवत दशा प्राप्त होकर के पंच भौतिक शरीर में तादात्म्य होकर के बन गया जीवात्मा, एक जीव माने शरीर ही मैं हूँ, लेकिन दोनों अलग पदार्थ, एक भौतिक पंचभौतिक अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी से ये तत्व से बना शरीर, ये माँ के देन है, और उसमें वो चेतन सत्ता जा करके जैसे प्रक्रिया के द्वारा
वो शुक्राणु रूप में आकर के उसमें आकर के तादात्म्य होकर के अब शरीर बन गया। कुत्ता शरीर में जाता है, कुत्ता बन के आता है। गधा शरीर में जाता, गधा बन के आता है। ये प्रक्रिया अब जिस शरीर में जाता है उसमें तादात्म्यता के कारण अहंकार आके उसको आवरण कर लेता है। वो कुत्ता तो भय करता है, गधा तो घे घे करता है। जैसे शरीर मनुष्य तो मनुष्य, उस प्रक्रिया के साथ साथ उसका सब वृत्ति भी बदलता रहता है। मान लीजिए मातृ जठर से मनुष्य बन के आया है, बच्चा समय वो बच्चा ही, ऐसे बुद्धि ऐसे विकास नहीं होता है। फिर धीरे धीरे शैशव से बाल्यावस्था से फिर किशोर अवस्था फिर यौवन, ऐसे विकास के साथ साथ उसका बुद्धि का विकास होती है, ऐसे प्रक्रिया। लेकिन इस शरीर में तदात्मता के कारण शरीर धर्म, शरीर को मैं मानता हूँ, शरीर मैं हूँ, वास्तव में शरीर मैं नहीं, मैं इससे अतीत, मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के अविनाशी अंश चेतन सत्ता मैं हूँ। ये चेतन जब तक शरीर में है तब तक शरीर सक्रिय है, ये प्रकृति सक्रिय होकर के क्रियाशील होती है। उसके शरीर ना होने का कारण वो निष्क्रिय है, लेकिन जब शरीर में तदात्म हो जाता है तभी जाके सक्रिय होकर के प्रकृति पुरुष मिल करके ये सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। बड़े अद्भुत खेल। अपरयोमित स्तन्यंग प्रकृति विद्धि में परम जीव भूतंग महाबाहो जयदंग धार्यते जगत। ये जगत को धारण करके रखा है ये प्रकृति पुरुष। एक वृक्ष है उसमें चेतन है, चेतन चला जाता है, काट दो वो जड़ जो प्रकृति अपने धारण करने में समर्थ हो जाता है। धीरे 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 10 साल पीछे आ गए, देखो कुछ नहीं है, पांच तत्व में विलीन हो गया है, चेतन चला गया। फिर ऐसे ही ये खेल चल रहा है।